महाराष्ट्र में 8 दिन बाद अब मतदान है। 9.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को फैसला करना है कि महाराष्ट्र की गद्दी का हकदार कौन है। लेकिन महाराष्ट्र में इस चुनाव में हालात पूरी तरीके से अलग है। 2 दलों के 4 टुकड़े मैदान में हैं। 2019 में जिन मतदाताओं ने शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 सीटें दी थी, वो इस बार पशुपेश में है, क्योंकि उनके सामने 2-2 शिवसेना और 2-2 एनसीपी मौजूद है। हालत यह है कि 49 सीटों पर उद्धव ठाकरे का सामना एकनाथ शिंदे के साथ है, उनकी शिवसेना की आपस में टक्कर है, और वहीं 38 सीटों पर शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी का सीधा मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक ही दल, एक ही विचारधारा, एक ही तरीके के नेता, अंदर से टकराव सूरत, इस सूरत में मतदाताओं का रुख किस तरीके से होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अगर हम नतीजे देखें तो मतदाताओं का रुझान साफ दिखा। जिस बीजेपी पर दोनों दलों के टुकड़े करने का आरोप है, उससे कई ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को मिल पाई थी, और इसमें भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन विधानसभा की लड़ाई अलग होती है। इसमें मतदाताओं के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि शिवसेना और एनसीपी में असली नकली कौन है, क्योंकि इस सवाल का जवाब दोनों पार्टियां, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में ढूंढ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके हैं, उनके सामने ये 2 फैसले थे। अब इन लंबित फैसले का क्या होगा? चीफ जस्टिस रिटायर हो गए और अब चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद इस फैसले का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसीलिए आज दंगल में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने में देरी हो गई, क्या अब ये जंग सीधे लोगों की अदालत में जाकर पहुंच गई है, और अब असली नकली का फैसला क्या लोग करेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल इस बार के चुनाव में हम देखने को मिलेगा। आमतौर पर 33% वोटर्स के सामने यह पैदा हुई, और उस उलझन को लेकर हम सभी पक्षों के साथ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम यह रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम चर्चा पर जाएंगे। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में हाल कुछ महाभारत जैसा ही है। एक लड़ाई विपक्षी से है, दूसरी लड़ाई नेताओं को आपस में ही लड़ना है। विपक्षी दलों के लिए तो एक दूसरे के पास मुद्दे हैं, आपस में लड़ाई के लिए मुद्दे भी नहीं, असली नकली की दलीलें हैं। लेकिन चुनावी लड़ाई बराबर चालू है। विपक्षी दलों पर हमले के लिए तो कटेंगे तो बटेंगे से लेकर मस्जिदों के लाउडस्पीकर तक और वफादार रजाकार से लेकर वोट जिहाद तक बयानबाजी चल रही है। लेकिन एक दल के 2-2 टुकड़ों के बीच आपस में जो सिर्फ टुकड़ है, उसका इलाज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस अंदरूनी घमासान की चपेट में दोनों राष्ट्रीय दलों से लेकर दोनों बड़े क्षेत्रीय दलों के 4 टुकड़े भी हैं। बड़े दलों में एक कांग्रेस ने तो बगावत करने वाले बागियों पर कार्रवाई का हंटर चलाना शुरू भी कर दिया, 3 चिट्ठियां निकालकर। 22 विधानसभा सीटों पर खड़े हुए 28 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन उस बगावत का फैसला आज तक नहीं हो सका जिसने महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी। महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 से लेकर अब तक सियासत इतनी उलझी है कि शिवसेना और एनसीपी के 2-2 टुकड़े हो चुके हैं। इन दोनों दलों में असली नकली की जो लड़ाई शुरू हुई, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट में अटक कर रह गया। आज हालत ये है कि महाराष्ट्र में 87 ऐसी सीटें हैं जहां एनसीपी बनाम एनसीपी और शिवसेना बनाम शिवसेना में सीधी फाइट है। इसमें 49 सीटों पर शिवसेना के 2 टुकड़े वाले नेताओं की सीधी फाइट है, और इसमें 12 सीटें तो मुंबई क्षेत्र की ही हैं। उधर 38 ऐसी सीटें हैं जिनमें एनसीपी के ही दोनों धड़ों के नेता आमने सामने हैं। दोनों ही गुटों के बीच चुनावी मैदान में सिर्फ एक मुद्दा है, और वो है एक दूसरे को फर्जी साबित करने का, क्योंकि असली नकली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं हो सका। जनता की अदालत का फैसला भी कुछ ऐसा रहा कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों को जनता के फैसले के तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों धड़ों की ओर से कुल 14 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें 2 सीटों पर एनसीपी के दोनों धड़ों में ही टक्कर थी और दोनों सीटें शरद पवार की एनसीपी ने जीती। उधर शिवसेना के दोनों धड़ों के कुल 36 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 13 सीटों पर आमने सामने की टक्कर थी,
नतीजा आया तो 7 शिंदे की शिवसेना को मिली, 6 उद्धव की शिवसेना को, यानी यहाँ भी फैसला क्लियर नहीं हुआ। हालांकि महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों में एनडीए की 17 सीटों से बना इंडिया को 30 सीटें देकर महाराष्ट्र ने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट में एक साल से दल बदलुओं पर फैसला होना था, दो दलों के दो दो टुकड़ों में असली नकली का फैसला होना था, वो नहीं हो सका। पर सुप्रीम कोर्ट में वो दो मुकदमे ऐसे लटके कि अब विधानसभा का दोबारा चुनाव भी होने लगा और फैसला अब तक नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की अपात्रता पर 3 जुलाई, 6 अगस्त, 21 अगस्त, 3 सितंबर, 5 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, मतलब जनवरी से सितंबर तक 8 तारीखें लगी, फैसला नहीं हो सका। और पार्टी के असली नकली वाले मुकदमे में तो 2023 में ही 15 जुलाई, 14 अगस्त, 17 सितंबर, 21 अक्टूबर को तारीखें पड़ी, लेकिन फैसला लटका ही रह गया। अब तो चीफ जस्टिस भी रिटायर हो गए, उस इंसाफ का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब ये मुकदमा हिंदुस्तानी जमहूरियत की सबसे बड़ी यानी जनता की अदालत में लड़ा जा रहा है। अब 20 नवंबर को मतदाता ही असली नकली दलों और नेताओं के मुकद्दर का फैसला सुनाने वाले हैं, जिसके लिए सभी पक्ष के नेता चुनावी मंचों से भरपूर दलीलें देने में जुटे हुए हैं। आज तक ब्यूरो।